मेरे प्यारे परिवारजन, नमस्कार। मन की बात के अगस्त एपिसोड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो कि सावन के महीने में दो दो बार मन की बात का कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस बार ऐसा ही हो रहा है। सावन यानी महाशिव का महीना, उत्सव और उल्लास का महीना। चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। साथियों, हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है। तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है। जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली। यही चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी सफलता है। मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अनगिनत सफलताएं हासिल करेगा। मेरे परिवारजनों, सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को
और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डायवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है जिसमें जन भागीदारी की भावना सबसे आगे है। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि 2-2 विश्व रिकॉर्ड भी बन गए हैं। वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेज का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्टमैनशिप का परिचय दिया है। G20 में आए हर प्रतिनिधि हमारे देश की आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर भी बहुत हैरान हुए। ऐसा ही एक शानदार कार्यक्रम सूरत में आयोजित किया गया। वहां हुए साड़ी वॉकाथॉन में 15 राज्यों की 15,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही, वोकल फॉर लोकल को भी बल मिला और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी बना। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान बढ़ाएं। मेरे परिवारजनों, मन की बात के एपिसोड में हम अपनी युवा पीढ़ी के सामर्थ्य की चर्चा अक्सर करते रहते हैं। आज खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे युवा निरंतर नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दशकों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। इसलिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवा खिलाड़ी विद्यार्थी इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं। यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी में मेडल जीता है।
असम के रहने वाले अम्लान ने एथलेटिक्स में मेडल जीता है, यूपी की रहने वाली प्रियंका ने रेस वॉक में मेडल जीता है, महाराष्ट्र के रहने वाली अभिदन्या ने शूटिंग में मेडल जीता है। मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों, नमस्कार। नमस्ते सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रगति, मैं इस बातचीत की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि दो मेडल जीतने के बाद आप जो यहां से गई, तब ये सोचा था क्या? और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, वो मोमेंट बहुत अच्छा था। इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसमें से आप उभर करके आई, ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। क्या हुआ था आपको? 5 मई 2020 में मुझे सर ब्रेन हैमरेज हुआ था, मैं वेंटिलेटर पे थी। कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं, और बची तो कैसे बचूंगी, बट इतना था कि हाँ मुझे अंदर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है वापस ग्राउंड पर खड़े होना है एरो चलाने। मेरे को मेरी जिंदगी बचाई है जो सबसे बड़ा हाथ भगवान का, उसके बाद डॉक्टर का, फिर आर्चरी का। हमारे साथ अम्लान भी है। अम्लान, जरा बताइए आपकी एथलेटिक के प्रति इतनी ज्यादा रुचि कैसे डेवलप की? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। एथलेटिक्स के प्रति तो पहले उतनी रुचि नहीं थी, पहले हम फुटबॉल में थे ज्यादा, बट जैसे जैसे मेरे भाई का एक दोस्त है तो उन्होंने मेरे को बोला कि अम्लान तुम्हें एथलेटिक्स में कंपटीशन में जाना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो पहला जब मैंने स्टेट मीट खेला तो मैं हार गया उसमें, तो हार मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ऐसे करते करते मैं एथलेटिक्स में आ गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अभी मजा आने लग रहा है, तो ऐसे ही मेरा रुचि बढ़ गया। अम्लान जरा बताइए, ज्यादातर प्रैक्टिस कहाँ की? ज्यादातर मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस किया साई रेड्डी सर के अंदर, फिर उसके बाद में भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गया, तो उधर से मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ सर। अच्छा, हमारे साथ प्रियंका भी है। प्रियंका, आप 20 किलोमीटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी, सारा देश आज आपको सुन रहा है और वे स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि इसके लिए किस तरह की स्किल की जरूरत होती है और आपकी कैरियर कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंची? मेरे जैसे इवेंट में मतलब काफी टफ है क्योंकि हमारे 5 जज खड़े होते हैं, अगर हम भाग भी लिए तो भी वो हमें निकाल देंगे, या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते हैं जंप आ जाती है तो भी वो हमें निकाल देते हैं, या फिर हमने नी बैंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं। और मेरे को तो वार्निंग भी 2 आ गई थी, उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल किया कि कहीं ना कहीं मुझे टीम मेडल तो एटलीस्ट यहाँ से जीतना ही है क्योंकि देश के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। और पिताजी भाई वगैरह सब ठीक है? हाँ जी सर, सब बढ़िया है। मैं तो सबको बताती हूँ कि आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को, सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जैसे खेल को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अब इतना सपोर्ट मिल रहा है ना इस गेम में भी, मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मेडल जीते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए प्रियंका, मेरी तरफ से बधाई है, आपने बड़ा नाम रोशन किया है। आइए हम अभिदन्य से बात करते हैं। नमस्ते सर। बताइए अपने विषय में। सर मैं प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं शूटिंग में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है, तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया। जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तब उधर कोल्हापुर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी,
बस से ट्रैवल करके पेट वड़गांव से कोल्हापुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो वापस आने के लिए 1.5 घंटा और 4 घंटे की ट्रेनिंग, तो ऐसे 6-7 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे, तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको सैटरडे संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए, और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को दोनों को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए, तो मैं उनकी ड्रीम कम्प्लीट करने के लिए बचपन से काफी खेलकूद में रुचि लेती थी। और फिर मैंने ताइक्वांडो भी किया है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ, और बॉक्सिंग, जूडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो, ऐसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गई। फिर 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई, फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गन फॉर ग्लोरी, तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया। अच्छा, आप चारों मत से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा, प्रगति हो, अम्लान हो, प्रियंका हो, अभिदन्या हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगा। सर मेरा एक सवाल है सर जी, आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता है सर? खेल की दुनिया में भारत को बहुत खेलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूं, लेकिन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, ये हमारी धरती से जुड़े हुए खेल है, इसमें तो हमने कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं, और दूसरा मैं देख रहा हूं कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के प्रति अब पहले जो भाव था वो नहीं है। पहले तो बच्चा खेलने जाता था रोकते थे, अब बहुत बड़ा वक्त बदला है और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं ना, वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती है। हर खेल में जहां भी हमारे बच्चे जा रहे हैं कुछ न कुछ देश के लिए करके आते हैं, और ये खबरें आज देश में प्रमुखता से दिखाई भी जाती हैं, बताई जाती हैं और स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती हैं। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। मेरे परिवारजनों, इस बार 15 अगस्त के दौरान देश ने सबका प्रयास का सामर्थ्य देखा। सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान को वास्तव में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। इस अभियान के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने। देशवासियों ने करोड़ों की संख्या में तिरंगे खरीदे, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। इससे हमारे कामगारों की, बुनकरों की और खासकर महिलाओं की सैकड़ों करोड़ रुपए का आय भी हुई है। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार देशवासियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। इस साल ये संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई। साथियों, इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश, देशभक्ति की भावना को उजागर करने वाला अभियान जोरों पर है। सितंबर के महीने में देश के गांव गांव में हर घर से मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है हर देशवासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा। मेरे परिवारजनों, इस बार मुझे
कई पत्र संस्कृत भाषा में मिले हैं। इसकी वजह यह है कि सावन मास की पूर्णिमा इस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सर्वेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य हार्द्य शुभकामनाः। आप सभी को विश्व संस्कृत दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलोसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेद और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेज करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है। इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेष योगदान भी है। जैसे 3 संस्कृत डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाया गया। अलग अलग शहरों में संस्कृत विश्वविद्यालयों के कई कॉलेज और संस्थान भी चल रहे हैं। IITs और IIMs जैसे संस्थानों में संस्कृत केंद्र काफी पॉपुलर हो रहे हैं। साथियों, अक्सर आपने एक बात जरूर अनुभव की होगी, जड़ों से जुड़ने की, हमारी संस्कृति से जुड़ने की हमारी परंपरा का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होती है हमारी मातृभाषा। जब हम अपनी मातृभाषा से जुड़ते हैं तो हम सहज रूप से अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं, अपने संस्कारों से जुड़ जाते हैं, अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं, अपने चीर पुरातन भव्य वैभव से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही भारत की एक और मातृभाषा है, गौरवशाली तेलुगु भाषा। 29 अगस्त तेलुगु दिवस मनाया जाएगा। अंद्रिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। आप सभी को तेलुगु दिवस की बहुत बहुत बधाई। तेलुगु भाषा के साहित्य और विरासत में भारतीय संस्कृति के कई अनमोल रत्न छिपे हैं। तेलुगु की इस विरासत का लाभ पूरे देश को मिले, इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, मन की बात के कई एपिसोड्स में हमने टूरिज्म पर बात की है। चीजों या स्थानों को साक्षात खुद देखना, समझना और कुछ पल उनको जीना एक अलग ही अनुभव देता है। कोई समंदर का कितना ही वर्णन कर दे, लेकिन हम समंदर को देखे बिना उसकी विशालता महसूस नहीं कर सकते। कोई हिमालय का कितना ही बखान कर दे, लेकिन हम हिमालय को देखे बिना उसकी सुंदरता का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से आग्रह करता हूं कि जब मौका मिले हमें अपने देश की ब्यूटी, अपने देश की डाइवर्सिटी, उसे जरूर देखने जाना चाहिए। अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं, हम भले ही दुनिया का कोना कोना छान ले, लेकिन अपने ही शहर या राज्य की कई बेहतरीन जगहों और चीजों से अनजान होते हैं।